वेलकम टू शबानाज कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बॉल। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी हेल्थ या कुकिंग से रिलेटेड घरेलू टिप्स, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं पनीर बॉल। पनीर बॉल बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, 2 पीस उबले आलू, 3 पीस स्लाइस ब्रेड के, 1 अंडा, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, कॉर्नफ्लेक्स आधा कप, धनिया पत्ता, तेल और नमक। सबसे पहले ब्रेड को ड्राई करके मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। आप ब्रेड को माइक्रोवेव में या चावल बनाते समय लीड के ऊपर रख के ड्राई कर सकते हैं। अब हम ब्रेड क्रम्स को एक प्याले में डाल देंगे। अब हम कॉर्नफ्लेक्स लेंगे, इसे भी मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे, इसे भी प्याला में डाल दें। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लें और अलग रख दें। अब हम एक अंडा लेंगे, इसे एक प्याला में डालेंगे, अच्छी तरह फेंट लें। इसमें चाट मसाला डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह फेंट लेंगे, अलग रख देंगे। अब हम उबले आलू को मैश करेंगे। मैश हो चुका है, अब हम इसे एक बड़े प्याले में डाल देंगे। अब हम पनीर के टुकड़ों को क्रश करेंगे। अच्छी तरह क्रश कर लें। क्रश हो चुका है, अब हम इसे मैश किए हुए आलू में डाल देंगे। अब हम इसमें कटा धनिया पत्ता डालेंगे, कटी हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके छोटे छोटे बॉल बना लें, देखिए इस तरह। इसी तरह सभी बॉल तैयार कर लेंगे। अब हम बॉल को पहले अंडे में डालेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स के चूरे से कवर करके एक बर्तन में रख देंगे। इसी तरह सभी बॉल तैयार कर लें। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। सभी बॉल को हम तेल में डाल देंगे। आराम से पलटें, वरना ये टूट जाएंगे। पनीर बॉल को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। पनीर बॉल तैयार हो चुका है, अब आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और सॉस के साथ सर्व करें। अब आज का टिप्स, दही में नींबू का रस मिलाकर त्वचा की मालिश करें, सूखने पर धो लें, स्किन सॉफ्ट और शाइनी बनेगी।